हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको पालक और धुआ मूंग की दाल बनाना बताऊंगी। यह दाल बहुत ही टेस्टी होती है और सबसे ज़्यादा ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसमें दाल है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। दूसरे, इसमें पालक का हमने यूज़ किया है, पालक के थ्रू हमें आयरन मिलता है। पालक बहुत ही हेल्दी होता है। देखिए, इसके लिए मैंने एक कटोरी मूंग की दाल ली है, इसको धोकर भिगो कर रखा है। ये पालक लिया है, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, नमक, अदरक कटा हुआ और हरी मिर्च कटी हुई। देखिए, प्रेशर कुकर में मैंने ये जो भीगी हुई दाल है हमारी मूंग की धोवा, इसको आधा घंटा भिगो लिया। पहले इसको डाला कुकर में। अब पालक को लीमिन कटा होना चाहिए, इसमें डंडियाँ नहीं होनी चाहिए और अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए। अब इसमें हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, और पानी डाल देंगे। करीब एक कटोरी अगर भीगी हुई दाल है तो उसमें हम 3 कटोरी पानी डालेंगे। अब इसको चला लेंगे और गैस पर वो उबाल आने तक खुला ही रखेंगे। अभी हम इसको कुकर को बंद नहीं करेंगे। इसमें उबाल आ गया है। अब उबाल आने के बाद क्या होता है, इसमें ऊपर झाग आते हैं, वो हमें निकाल लेना चाहिए, क्योंकि यह हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब हमने सीटी लगा दी है और करीब इसको हम 10 मिनट धीमी गैस पर पकाएंगे। दाल बनकर तैयार है। इसको हमने बाहर निकाल लिया बाउल में। अब इसमें नींबू डालेंगे आधा और चला लेंगे। अब छौंक लगाएंगे। छौंक के लिए मैंने इसमें देसी घी लिया है, उसमें हींग डाली, साबुत जीरा डाला, धनिया डाला 1 चम्मच सूखा। इस तरीके से हमें ऊपर से अगर छौंक लगाते हैं दाल में तो ये बहुत अच्छी लगती है। अदरक डाला, हरी मिर्च, और अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। ये हम इंडियन स्टाइल से दाल बना रहे हैं तो इसमें हमें प्याज लहसुन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पसंद करती हैं तो वो भी डाल सकते हैं, बट इसका अपना अलग ही टेस्ट होता है। अब ऊपर से इसमें हम ये छौंक को डाल इस तरीके से दाल देखिए हमारी बनकर तैयार है। ये दाल टेस्टी होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। हमें ये दाल बनानी चाहिए और पालक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह पालक की नई नई डिश देखने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको पालक की भुजी बनाना बताऊँगी। थैंक यू।